म्यूजिक तो हे गाइस इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू एस्केमिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरह के एक बर्थडे स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एंड हर एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह का स्टेटस बना सको। एंड गाइस इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करूंगा सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइज इस तरह का बर्थडे स्पेशल स्टेटस वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो मेरे रिक्वेस्ट पर वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो गाइज देखिए, फर्स्ट इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कोई सा भी एक VPN को डाउनलोड करना है। देखिए ये जो VPN है मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, उसके बाद इसको आप लोग कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टैप टू कनेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टच करने के बाद कनेक्ट कर लीजिएगा। अब गाइज कनेक्ट करने के बाद आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है एंड इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना, देखिए न्यू प्रोजेक्ट पे टच करें। यहाँ पर गाइज एक वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो को सिलेक्ट करें, यहाँ पर नीचे ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये ऐड हो जाएगा। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, देखिए इस वीडियो पर टच करना है, यहाँ पर जो वॉल्यूम करके का ऑप्शन है इस पर टच करें। यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम को जीरो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को देखिए लास्ट में एक एंडिंग वाला पोर्शन मिलेगा, इस पर टच करें। नीचे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर टच करके डिलीट कर लीजिए। अब गाइज ऐड ऑडियो का जो सेक्शन है नीचे, इस पर टच करें। यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड करके का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टच कर लीजिए एंड यहाँ पर दोस्तों उस वीडियो को फिर से सिलेक्ट करें एंड ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए साउंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज देखिए आप लोग क्या करना है, जहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, देखिए इस जगह पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो पर टच करना है, यहाँ पर नीचे ऑप्शन शो करे स्प्लिट, तो स्प्लिट कर लीजिए। तो देखिए दोनों हिस्से में बट गया है, तो इधर का जो हिस्सा है इसे आप लोग डिलीट कर लीजिए, ठीक है गाइज। तो इतना तक हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर पांच पिक्चर ऐड करना है। तो यहाँ पर जो प्लस का कौन है इस पर टच करे, टच करने के बाद फोटोज पर टच करे। यहाँ पर दोस्तों अपने जिसका भी स्टेटस बनाना चाहते हो उसका पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड फाइव पे टच करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पांच फोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब आज बीट के अकॉर्डिंग कट करना है, तो देखिए फर्स्ट फोटो को कितना तक रखना है, इतना तक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बीट आप लोग देख सकते हो, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर। उसके बाद दोस्तों देखिए सेकंड बीट यहाँ पर है, तो आप लोग क्या करना है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा जूम को आप लोग डिक्रीज कर लीजिए, हाँ यहाँ पर ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को आप लोगों को इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। थर्ड बीट देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर इस फोटो को भी इधर के साइड कट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बीच में दोनों, ठीक है। एंड लास्ट फोटो को आप लोगों को इस तरह से इतना तक कर लेना है। तो देखिए ये बीट के अकॉर्डिंग लग चुका है। अब गाइज आप लोगों को देखिए क्या करना है, बैक आना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टच करें। यहाँ पर देखिए 5:8 पर टच कर लीजिए। आप लोग अगर फुल स्क्रीन पर वीडियो चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो पर टच करें, इस तरह से जूम करें। उसके बाद दोस्तों हर एक पिक्चर को आप लोगों को जूम कर लेना है। देखिए आप लोगों ने पांच पिक्चर सिलेक्ट किए हो, तो पांच पिक्चर को इस तरह से जूम करें, जूम करने के बाद ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पांचों पिक्चर को इस तरह से जूम कर लेता हूँ, तो देखिए जूम हो गया है। तो जूम हो जाने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आना है। आने के बाद देखिए इफेक्ट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो इफेक्ट करके मिल रहा है, इस पर टच कर लीजिए। टच करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर सेक करके का इफेक्ट मिलेगा, इस पर टच करें। तो इसे टच करने के बाद दोस्तों इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक करना है। देखिए लास्ट तक हो गया है एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन शो करे एडजस्ट, तो इस पर टच करें। उसके बाद स्पीड को आप लोग 10 में रखें एंड इंटेंसिटी को आप लोग 5 में रखें, ठीक है। तो देखिए 5 में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये सेक होगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप लोग देखिए यहाँ पर फिर से वीडियो इफेक्ट पे टच करना है। यहाँ पर स्लाइड करना है, नेचर करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टच करने के बाद यहाँ पर एक लीव्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टच कर लीजिए, ठीक है। आप लोग कोई और सा भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो जो आप लोगों को सही लगे, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब आज इस पिक्चर पर टच करना है, यहाँ पर एनिमेशन देखिए एक ऑप्शन शो कर एनिमेशन, इस पर टच कर लीजिए।
टच करने के बाद कॉम्बो पर टच करें। एंड यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा बाउंस वन, ठीक है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पिक्चर पर टच करें, एनिमेशन पर टच करें, कॉम्बो पर टच करें, फिर से बाउंस वन पर टच करें। उसके बाद थर्ड पिक्चर पर भी आप लोगों को बाउंस वन को भी सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर फोर्थ पर भी और फिफ्थ में भी आप लोगों को बाउंस वन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए सारे पिक्चर में मैंने बाउंस वन इफेक्ट को ऐड कर लिया है। तो इतना तक हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर ओवरले पे टच करना है, ऐड ओवरले पे टच करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक शैडो वाला पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप लोगों को ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से ऐड करें, ऐड करने के बाद थोड़ा सा जूम करें, नीचे की तरफ सेट करें। देखिए ये शैडो वाला पीएनजी नीचे की तरफ ऐड हो चुका है, इसे खींच के वीडियो जितना तक उतना तक कर लीजिए, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक और पीएनजी है, उसे आप लोगों को टच यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए कौन सा पिक्चर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइज आप लोगों को देखिए ये जो पिक्चर है इसे ऐड करें, ऐड करने के बाद थोड़ा सा छोटा करें, नीचे की तरफ सेट करें। एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ये जो ऑप्शन है इस पर टच करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लाइटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टच करें, लाइटन पर टिक पर टच करें, इसे खींच के वीडियो जितना तक है उतना तक कर लीजिए, ठीक है। अब गाइज जो आपका वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हुआ है। तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन एक स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो अगर आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखे हो। तो गाइस आज का वीडियो देखता है, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।